नमस्कार, नमस्ते। मैं बीबी विश्वास। मेरा चैनल विश्वास 9943, एक्सप्लोरर विश्वास भी है। मैं जनरली साधु संतों और कुछ पीपल एंड ब्लॉक के ऊपर मैं काम करता हूँ। कभी कभी नया चीज़ आने से उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आलोकपात करने का कोशिश करता हूँ, हमारा ज्ञान का आधार पर। आप आज आपको सामने मैं लेके आया हूँ, इट इज़ नॉट ए अनबॉक्सिंग, मैं एक लेके आया हूँ हमारा ये डिजिटेक का ड्यूएल इंटरफेस, जो वायरलेस माइक्रोफोन जो है फॉर स्मार्टफोन, उसको मैं आपको सामने लेके आया हूँ। इसका मॉडल नंबर है DWM103, DWM103, ये लिखा भी है, आप देख पाएंगे, मैं स्क्रीन के ऊपर में भी दिखा दूंगा। क्यों ये वायरलेस मोबाइल को, ये माइक्रोफोन को आप एक्सेप्ट करेंगे? दिस क्वेश्चन विल कम। बाजार में इतना भरा सा माइक्रोफोन जो है, इसके अंदर में इसका जो सीरीज जो है DWM101 एंड 102, 103 एंड लाइक दिस, आई हैव सीन अप टू 109, 910 ऑल्सो। लेकिन इसका जो रेट फिक्स किया गया है 5999 प्रिंटेड रेट है, लेकिन लोकल मार्केट में आप उसको 3,500 से 4,000 के अंदर में आपको मिल जाएगा। आप बहुत सारा यूट्यूब में चैनल में इसका ऊपर में चर्चा होते हुए देखे होंगे, एंड दे हैव नरेटेड प्रॉपरली, दे हैव चेक द डिस्टेंस ऑल्सो, दे हैव चेक द साउंड क्वालिटी ऑल्सो। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, आपको मैं दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। वो टेक्निकल है, लेकिन बहुत सारा हमारे लोग का वहाँ नॉन टेक्निकल आदमी टेक्निकल चीज़ समझने का जब कोशिश करता है, थोड़ा सा नॉलेज नहीं रहने से ग्रास रूट लेवल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है। क्योंकि हम लोग का जो काम जो है, एवरीथिंग इज़ कंटेंट ओरिएंटेड। अगर ये जो पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, इसका अंदर में सब कुछ लिखा है, ये जो दिस वन, ये पोर्शन मैं स्क्रीन के ऊपर में भी दिखा दूंगा। मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, इसका अंदर में एक हमारा ये जो देख रहा है, ये हमारा एक चार्जिंग बॉक्स है। ये चार्जिंग बॉक्स का अंदर में हमारा दो ट्रांसमीटर रहने की जगह है, और बीच में हमारा रिसीवर रखने की जगह है। रिसीवर चार्ज नहीं होता, ट्रांसमीटर दोनों चार्ज होता है। आप इसी जगह में रख दीजिए, उसके बाद इसको आप ये सी केबल जो है, ये सी केबल से आप चार्ज करते रहिए। ये चार्ज हो जाने के बाद आप निश्चिंत तो होकर 8 घंटा मैंने करीबन 8 आवर्स यू कैन यूज़ दिस सेट। नंबर वन, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव क्वालिटी है, लेकिन इसके लिए आपको 90 मिनट, 1.5 घंटा करीबन इसको आपको चार्ज करना पड़ेगा। और आज का हमारा बोलने का बेसिक जो मुद्दा जो है, वो हमारा इसके जो फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर में मैं चर्चा करूँगा। आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल वॉच एट द टाइम ऑफ परचेज, आप देखता नहीं है, डब्बा देखा उसको ऊपर जो हमको दुकानदार बता दिया है, उसके आधार पर हम लेके आते हैं। इसमें देखेंगे ये जो माइक्रोफोन, जब आप खरीद करने जाएंगे, वायरलेस माइक्रोफोन खरीद करने जाएंगे, इसके ऊपर में आपको एक जरूर एक जगह में लिटरेचर के अंदर में लिखा रहता है, मैंने फ्रीक्वेंसी रेंज इसमें लिखा है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। ये आपको रिसीवर के ऊपर में भी अप्लाई होता है, और ट्रांसमीटर के ऊपर में भी अप्लाई होता है। इस सेट में 103 जो आपको जो मॉडल नंबर जो है DWM103, इसमें आपको क्या है, एक रिसीवर दिया गया है और दो ट्रांसमीटर दिया गया है, और तीनों का ही हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी फिक्स करके रखा है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। अभी ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्यों, 1 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं होता, ये सवाल आ सकता है। ये क्यों दिया है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में, क्यों क्या होता है, मैं उसके ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा। लेकिन हम लोग जो नॉन टेक्निकल मैन है ना, ये थोड़ा बहुत हम लोग को ये चीज़ जानकारी में रखना चाहिए, क्योंकि आप जब तक ये बेसिक चीज़ को जानकारी में नहीं रखेंगे, आपको परफॉर्मेंस प्रॉपरली नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग का सब कुछ कंटेंट ओरिएंटेड है ना, आपको साउंड क्वालिटी मिनिमम पैसा में मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए आपको ये सब चीज़ के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। नाउ कम टू द पॉइंट, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्यों है? ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में क्या होता है, इसमें हमारा इट कवर्स द मैक्सिमम एरिया, हर फ्रिक्वेंसी रेंज होता है,
और इस रेंज में ये इट कवर्स 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो है इट कवर्स मैक्सिमम एरिया, बट इसका डाटा ट्रांसफर रेट इज मिनिमम, लेकिन रेंज बड़ा है। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बोलने से ये सेट में हमारा करीबन 30 मीटर्स कवर करता है, मैंने करीबन 100 फीट का आसपास आप चला जाएगा। आप हमारा कैमरा इधर है, आपको माइक्रोफोन का एक एंड 100 फुट का आसपास में आप रखे हैं, यू विल गैदर द साउंड। धीरे धीरे आप अगर ये मॉडल 103 है DWM, आप अगर हायर साइड में चले जाएंगे तो आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी आपको मिल जाएगा। क्यों 5 गीगाहर्ट्ज़? 5 गीगाहर्ट्ज़ में इट कवर्स द मिनिमम एरिया, ये 2.4 में 30 मीटर्स कवर कर रहा है और 5 गीगाहर्ट्ज़ में आपको 45 मीटर्स कवर करेगा, अरे फीट कवर करेगा, 15 मीटर इज इक्वल टू 50 फीट तक कवर करेगा। लेकिन आपको उसका डाटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा है, इसीलिए दैट इज़ आइडियल फॉर द क्लोज डोर रूम, या हमारा क्लोज डोर रूम में फंक्शन हो रहा है उसमें साउंड क्वालिटी या ऊपर में अगर ध्यान दिया जाए दैट विल बी बेटर। लेकिन हम लोग को माफी ब्लॉगर के लिए जो आउटसाइड में ज़्यादा चलते हैं, थोड़ा बहुत इंटरव्यू भी लेते हैं, थोड़ा बहुत ये भी करते हैं, दूर का ऊपर में भी काम कर लेते हैं, तो इसके लिए ओपन माई नॉलेज गोज ये दिस DMW-103 माइक्रोफोन डिजिटेक का डबल इंटरफेस है, ये भी एक बड़ा बात है। ये इसका जो फंक्शन जो है ये साइमल्टेनियसली आपको एंड्रॉयड के साथ काम करेगा, साइमल्टेनियसली आईफोन के साथ एप्पल के साथ भी काम करेगा, इसीलिए इट इज़ आइडियल थिंग। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा जो अगर ग्रास रूट लेवल में जो आदमी काम कर रहा है उसके लिए हमारा हिसाब से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो हमारा माइक्रोफोन जो है वायरलेस माइक्रोफोन है और ये आइडियल है। लेकिन इसमें और एक सुंदर चीज़ दिया गया है, इसमें नॉइज रिडक्शन क्वालिटी भी दिया गया है। मैं आप देखेंगे जब आपको सेट को खुलेंगे, सेट खुलने के बाद आपको मैं हमारा ये सेट खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए इसका अंदर में ये ब्लू कलर का ब्लू हमारा डॉट जल रहा है। ब्लू डॉट क्यों जल रहा है? पहले जब आप इसको ओपन करेंगे आपको दो फंक्शन है, ये ब्लैक बटन है, ये हमारा येलो बटन है। ये जो ब्लैक बटन जो आप ओपन करेंगे ये हमारा सेट ओपन हो जाएगा, और इसके बाद आप जब येलो बटन ओपन करेंगे तो नॉइज रिडक्शन मिनिमाइज करने के लिए आपको वो बटन भी ओपन हो जाएगा। और उसके लिए पहले जब ओपन करेंगे ये ब्लैक डॉट माने बटन से आपको ग्रीन लाइट आएगा, उसके बाद जब ये फंक्शन येलो बटन ओपन करेंगे जो नॉइस को मिनिमाइज करने के लिए, तब आपको ये ब्लू बटन आपको कलर आ जाएगा। इसके बाद आप आराम से आपको रिकॉर्डिंग प्रोसेस को चालू रखिए और आगे बढ़ाइए। आपको ये सिलसिला मैं इसके साथ साथ आज का आपको और एक चीज़ मैं जरूर बताने की कोशिश करूँगा जो हमको बहुत अच्छा लगा। इसमें आपको हाई फिडेलिटी दिया गया है। हाई फिडेलिटी बोलने से मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है हाई HIFI। मैं स्क्रीन के ऊपर में दिखाऊंगा, आप देख पाएंगे। ये हाई फिडेलिटी का अर्थ तो फिडेलिटी का मीनिंग क्या, लिटरेचर मीनिंग क्या है फिडेलिटी का? ये सत्य का पर आधारित, मैंने मैक्सिमम मैंने सत्य के ऊपर आधारित। ध्यान से सुनेंगे हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, जो बात करने का जो क्वालिटी है, साउंड का क्वालिटी है, ये क्वालिटी को मेंटेन करना है। हाँ। और ये मेंटेन करने के लिए ये मशीन आपको सहायता करे, बहुत सहायता। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जो हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो साउंड को थोड़ा मॉडिफाई करके रिप्रोड्यूस कर रहा है हमारा माइक्रोफोन का अंदर में जो प्रोसेस का माध्यम, वो प्रोसेस का हमको बोला जाता है हाई फिडेलिटी। तो इसीलिए आप जब बात करेंगे आपको बात को गुणवत्ता को सामने रखते हुए आपको थोड़ा सा नॉइज को कंट्रोल करके आपको दूसरा के सामने प्रस्तुत करने का जो प्रोसेस ये जो रखा है ये हमको बहुत अच्छा लगा। आई एम नॉट एग्जरेटिंग एनीथिंग, मैं कंपनी की तरफ से मैं भी कुछ बोलने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ।
ये चीज जो हमको लगा, ये इसी के आधार पर आपको मैं बात कर रहा हूँ, और हमको मैं दो चैप्टर जो रिकॉर्ड किया हूँ और अभी जो कर रहा हूँ उसका इफेक्ट भी आप देख पाएंगे। तो इसीलिए मेरा हिसाब, ये जो डिजिटेक का ड्यूअल इंटरफेस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम फॉर एंड्रॉयड एंड आईफोन जो DWM103 मॉडल का, आई थिंक इट इज़ एक्सेप्टेबल। हमारा मतलब जो यूट्यूबर है, जो थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल में काम करते जा रहा है, अच्छा थोड़ा सा पिक्चर का क्वालिटी भी होना है, अच्छा साउंड क्वालिटी भी होना है, ये ध्यान में रखते हुए दिस इज़ द बेस्ट वन। थैंक यू।